हेलो फ्रेंड्स, देखिए हनी अब बिना सपोर्ट के फुल्ली बैठना सीख गई है। अभी थोड़ा सा गिर जाती है बट ये बैठ लेती है बिना सपोर्टिंग के। हनु हाँ गो है ना, एक टॉयज है ना दो बेटू। देखिए अभी पकड़ रही है छी हनी, गंदी बात। কথা বলো 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 কথা বলো, কি করছো বাবা, কি করছো সোনা, তুমি বসতে শিখে গেছো? হ্যাঁ, আবি বাত করতি হ্যাঁ, ইস তরহ সে আ আ গ গ ইস তরহ সে বাত করতি হ্যাঁ হ্যাঁ। আর আপ ফ্রেন্ড জো আপ ইয়ে দেখিয়ে আবি ইয়ে ভমিটিং কি, अब जो ये फ्रॉक देख रहे हैं बेटू, फ्रॉक इसको दिखाइए, ये फ्रॉक उसकी दीदी की है। आइए, फ्रॉक 10 साल पुराना फ्रॉक है, मैं संभाल कर रखी थी, तो अभी हनी का काम आ रहा है। उठा बेटा, ये देखिए, ये फ्रॉक जो है ये हनी के बुआ ने हनी को गिफ्ट किया था, सॉरी राशि की बुआ ने हनी की दीदी राशि को। ये देखिए राशि यहीं पे है, अभी नहाई है और कंघी नहीं की है। हाँ, और ये देखिए हनी इसको क्या की है, इसके गाल में चीक पे, ये देखिए लाइटली दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, तो ये हनी ने प्यारी सी दीदी को किसी की है और ब्लू कर दी अपनी दीदी के चीक को। इधर भी होगा मेरे ख्याल से बेटा, इधर लाइटली है, इधर लाइटली लाइटली है यहाँ पे इस जगह पे, आप देख रहे हैं कितना डीपली इसको पेन हुआ होगा। और क्योंकि अब इसके ना जो दांत है वो दांत निकलने वाले हैं, इसके जो मसूड़े वो सख्त हो चुके हैं। ये जो फ्रॉक है देखिए आप, बहुत क्यूट था, तो जब हनी नहीं हुई थी तो राशि 2-3 साल पहले राशि इसको डॉल को पहनाती थी ना बेटा, और डॉल का क्या नाम था? राधा। राधा, राधा तो छोटी वाले डॉल का नाम है, बड़े वाले डॉल का नाम क्या था? डॉली। तो डॉल का नाम डॉली था, तो डॉली को पहनाती थी, और डॉली इस हनी से 3 गुना मेरे ख्याल से मोटी छोटी सी है। और अभी देखिए, अभी ये हनी पहन रही, मैं उसको धोके रख दी थी, तो अब हनी पहन रही है ये वाला फ्रॉक। बेटा डॉलू को दिखा दीजिए कैमरे में, देखिए आपको मैं धागा दिखाती हूँ कौन सा डॉल था जो कि ये का फ्रॉक पहनती थी, वो डॉल, उसके बाद हमारी ये प्यारी सी छोटी सी डॉल पहनती है। ये लो, गिरना नहीं बेटा, ये लो, अब बिना सपोर्टिंग के बैठ रही है। आज फ्रेंड मैं खाना खाई हूँ पर इसको गोदी में लेके नहीं, इसको नीचे में बिठाई हुई थी और एक टॉयज दिया था इसके हाथ में। ये देखिए, ये देखिए डॉल, ये जो डॉल है ये पहनी हुई थी, पहनती थी पहले ये फ्रॉक, फिर इसको मैं धो के हनी के लिए रखी। और अब ये वाला, जब हनी जब थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तब मैं ये वाला फ्रॉक धो के रख दूंगी, तब ये हनी पहनेगी। ये राशि के चाचू ने राशि को दुर्गा पूजा में गिफ्ट किए थे। हाँ गो, बेटा दिखाना डॉल, देखिए कितनी क्यूट है। और ये ना हनी, जो हनी पहनी हुई ये फ्रॉक, वो इस पे डॉलू पे बहुत ही फिटिंग होता था ना बेटा, शॉर्ट फ्रॉक होता था। और ये बहुत ही पुराना टॉयज है, मैं आपको बता दूं कितना, जब आप 2 इयर्स के थे ना, ना चंडीगढ़ थे जब हम असलम तक ही, तो हम लोग पहले चंडीगढ़ में रहते थे, तब राशि 3 साल की थी, तो जब राशि 3 साल की थी तब ये हमने ट्रेन में लखनऊ में खरीदे थे ये वाला टॉयज, और तब इसका नाम डॉलू रखे थे। और ये प्राइस बता देती हूँ, ये हमने 70 रुपए में खरीदे थे ट्रेन में स्टेशन में। देखिए कितना मोटा मोटा इसका पैर है, और इसको राशि चड्डी पहनाई हुई है, ये देखिए अपना ही चड्डी पहनाई है, मैं आपको दिखा देती हूँ। हाँ, ये देखिए डॉलू के साथ हनी, हनी ये देखिए हनी का रिएक्शन देखिए डॉल के साथ, ये देखिए ये काफी गंदा है, इसको धोएंगे, अभी धोए नहीं है क्योंकि हनी की वजह से मैं इसके राशि के जितने भी टॉयज है वो धो नहीं पाई थी, तो अब एक एक करके धो देंगे, गर्मी का सीजन है तो टॉयज साफ हो जाएंगे। नहीं गिरेगी, नहीं सपोर्टिंग है। देखिए हनी को देखिए, हनी का रिएक्शन देखिए डॉलू को देख के, देखिए ये देखिए छू रही है, ये
राशि हाँ, सभी जितने भी टैडी है सभी का लिपस्टिक और बिंदी मस्कारा लगा के रख देती हैं। ये देखिए हना हना हनी, ये देखिए पकड़ रही है। देखा देखो बेटू हग क्या गो राशि के जितने भी छोटे छोटे कपड़े थे सब राशि अपने डॉल को पहनाती है। शुक्र है कि मैं देखिए इसका भी सिलाई भी उधेड़ा हुआ, मैं सिलाई नहीं की हूँ, बहुत पुराना फ्रॉक है ये, इसको धोके मैं पहनाई, इसका कलर भी चला गया है, बहुत क्यूट फ्रॉक था, इसके साथ एक चड्डी भी थी, चड्डी कहाँ है, चड्डी पता नहीं कहाँ खो गया है। हनी का रिएक्शन देखिए आप, हना क्या कर रहा है मेरा बच्चा, उसको लग रहा है ये मेरी फ्रेंड है। देखो ये देखो क्या बेटा उठ नहीं रहे हैं डॉलू, ये देखिए ये देखो डॉलू देखिए हनी हंस रही है। छना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कि ये हिल नहीं रही, बोल नहीं पा रही मेरे ख्याल से। हनु बेटा मामा माँ अरे तो माँ हेचे दाओ हेचे दाओ हेचे दाओ, इसको बोलते हैं अगर बंगला में हेचे दाओ हेचे दाओ, तो ये हंसती भी है। हाँ हेचे दाओ तो ओके फ्रेंड बाय, अभी मैं रख रही हूँ हनी के लिए, जा रही हूँ मैं दूध गर्म करने के लिए, वैसे टाइम बहुत हो चुका है, 2:30 बज रहे हैं दोपहर का, हनी सोई नहीं है तो इसलिए मैं सोची वीडियो बना लें। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।